बसमिल्ल रन रही डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड सेवन टुडे आर टॉपिक इज़ फाइनेंशियल अरिथमेटिक लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज सेवन डी के कुछ क्वेश्चंस किए थे आज एक्सरसाइज सेवन डी के ही चंद क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन है हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग्स ऑफ रुपीज फोर हंड्रेड थाउजेंड मिस्टर अहमद की सालाना बचत फोर हंड्रेड थाउजेंड रुपीस यानी चार लाख रुपया है उसकी हमने जक़ात की अमाउंट फाइंड करनी है अब इसके सोल्यूशन में ईयरली सेविंग्स ऑफ अहमद रुपीज फोर हंड्रेड थाउजेंड रेट ऑफ जक़ात लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं टू एंड हाफ परसेंट या इसको वन बाय फोर्टी भी लिख सकते हैं तो ज़कात की अमाउंट फाइंड करेंगे वन बाय फोर्टी ऑफ ईयरली सेविंग्स जो कि चार लाख रुपया तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन वन बाय फोर्टी फ़ोर हंड्रेड थाउज़ेंड अब इसकी कटिंग कर देंगे ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा उसके बाद फ़ोर वन ज़र फोर और फोर के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी फ़ोर वन ज़र फोर और वन टू थ्री फोर ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो ये टेन थाउजेंड रुपीज़ अमाउंट ऑफ ज़क़ात आ गई हैंस मिस्टर अहमद हैव टू पे रुपीज़ टेन थाउजेंड एज़ ज़क़ात क्वेश्चन नंबर थर्टीन मिस्टर आरिफ पेड रुपीस इलेवन ट्वेंटी फाइव एज जक़ात मिस्टर आरिफ एक हजार एक सौ पच्चीस रुपए जक़ात के अदा करता है वट वर हिज ईयरली सेविंग्स उसकी सालाना बचत क्या थी ये हमने बताना है लास्ट क्वेश्चन में ईयरली सेविंग गिवन थी अमाउंट ऑफ जकत हमने फाइंड की अब यहां अमाउंट ऑफ जकत गिवन है ईयरली सेविंग हमने फाइंड करनी है तो ईयरली सेविंग्स को लेट कर लेंगे लेट एक्स बी हिज ईयरली से रुपीस इलेवन ट्वेंटी फाइव अब अमाउंट ऑफ जकत कैसे निकलती है वन बाय फोर्टी ऑफ ईयरली सेविंग्स तो इस अमाउंट ऑफ जकात की जगह हम वन बाय फोर्टी ऑफ इयरली सेविंग्स पुट करेंगे और इयरली सेविंग्स की जगह एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी जी स्टूडेंट्स अब वन बाय फोर्टी ऑफ इयरली सेविंग्स इज इक्वल टू इलेवन ट्वेंटी फाइव इला सेविंग्स हमने लेट की हुई है एक्स इसकी जगह एक्स आ जाएगा ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ गया अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ये 40 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है राइट right साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1125 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 45,000 फाइव थाउजेंड एक्स की वैल्यू आ जाएगीज ईयरली से रूपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इयरली x लेट किया हुआ था तो जो एक्स की वैल्यू निकली वही आर एफ की ईयरली सेविंग्स होंगी अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर सेवन के सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जकात चार ऑप्शंस है ए वेल्थ बी इनकम सी एग्रीकल्चरल डी प्रॉपर्टी अब जकत किस टैक्स को कहते हैं इनकम में सिर्फ आपकी महाना आमदनी या सालाना आमदनी आती है एग्रीकल्चरल में ज़रात की आमदनी प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉपर्टी है आपकी उसकी आमदनी होगी लेकिन वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी इनकम गोल्ड सिल्वर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल तमाम तरह की आमदनी वेल्थ में शामिल होती है तो जक़ात वेल्थ पे अप्लाई होती है ज़कात वेल्थ पे कैलकुलेट की जाती है तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी सेकेंड एम सी क्यूज है वट इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इफ द इंटरेस्ट रेट इज फिफ्टीन परसेंट अब स्टूडेंट्स हमने ये इंटरेस्ट के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो भी रेट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा तो प्रिंसिपल यहां पे ट्वेंटी थाउजेंड है तो इंटरेस्ट रेट फिफ्टीन परसेंट है तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ प्रिंसिपल दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड अब ये परसेंटेज खत्म करेंगे तो डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन ट्वेंटी थाउजेंड अब ये डिनोमिनेटर में दो जीरो न्यूमिनेटर के इन दो जीरो के साथ कैंसल हो गए यहां पे 200 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन इसको मल्टीप्लाई करें तो 3000 आ जाएगा तो 3000 इंटरेस्ट की अमाउंट है जो कि यहां बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी जी स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर थ्री है वट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम दैट हैज ए सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज एट हंड्रेड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट सेलिंग प्राइस हमें गिवन है एट हंड्रेड रुपीज सेलिंग प्राइस है ट्वेल्व परसेंट डिस्काउंट के बाद एट हंड्रेड रुपीज सेलिंग प्राइस है अब हमें यह पता है कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है और मार्क प्राइस गिवन नहीं है तो मार्क प्राइस को लेट कर लेते हैं एक्स ये आपने ऑरली सोचना है क्योंकि एमसी के लिए आपके पास स्पेस नहीं होगी जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो आप रफ में करेंगे मैं भी आपको बोर्ड पे करके समझाऊंगा ये आपने कैलकुलेशन रफ पे करनी है अब 12 परसेंट ऑफ मार्क प्राइस तो 12 परसेंट मीनस ट्वेल्व बाय हंड्रेड प्राइस अभी हमने डिस्कस किया एक्सलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी फोर थ्री जार ट्वेल्व कटिंग हुई फोर ट्वेंटी फाइव जार हंड्रेड तो ये आ गई थ्री एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव दिस इज डिस्काउंटेड अमाउंट अब मार्क प्राइस हमने लेट की है एक्स और डिस्काउंट है थ्री एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव तो एक्स में से थ्री एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव को माइनस करें तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि गिवन है 800 अब इसका एलसीएम 25 आ जाएगा 25 से एक्स को मल्टीप्लाई करें 25x फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स तो ये आ जाएगा 22x टू एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एट अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने 25 फाइव राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 800 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी ओवर 22 अब इसकी कटिंग कर देंगे 2 के टेबल में 2 इलेवन दर ट्वेंटी और 2 फोर दर एट और दो ज़ीरो सात आ गए अब 400 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव ज़ीरोज़ार ज़ीरो ट्वेंटी फाइव जीरो हज़ार ज़ीरो और ट्वेंटी फाइव को फ़ोर से करेंगे तो वन हंड्रेड डिवाइडेड बाय 11 तो ये टेन थाउजेंड को अब आप इलेवन पे डिवाइड कर लेंगे अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे टेन थाउजेंड इसको 11 पे डिवाइड करें इलेवन नाइन ज़ार नाइन्टी नाइन माइनस किया वन बचा ये ज़ीरो उतारें अब ज़ीरो इलेवन के टेबल में ज़ीरो उतारने के बाद ये टेन बने तो 11 के टेबल में टेन नहीं आता तो नेक्स्ट ज़ीरो भी उतारेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ एक ज़ीरो लगा देंगे एलेवन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो तो ये नेक्स्ट ज़ीरो उतारा अब फिर हंड्रेड हो गया एलेवन नाइन जार नाइन्टी नाइन ये माइनस करें तो वन आ गया अब डेसिमल लगा के आप जीरोस लगाएंगे तो यहां पे एक जीरो उतारेंगे यहां टेन होगा उसका फिर जीरो आएगा पॉइंट के बाद और उसके बाद फिर इलेवन नाइनदार नाइनटी नाइन आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमें पता चल गई इतना सा कैलकुलेट करने से नाइन जीरो नाइन आंसर आ रहा है तो यहां पे देखें इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी अब फोर्थ एमसी है फ जमील बोरोज रुपीज फाइव हंड्रेड एट फाइव परसेंट इंटरेस्ट टू बी पेड इन टू ईयर्स हाउ मच विल ही हैिंसिपल अमाउंट है फाइव हंड्रेड जो जमील ने उधार ली है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फाइव परसेंट और टाइम टू ईयर्स का गिवन है तो हमने ये बताने के जमील कितनी रकम अदा करेगा तो इसमें हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे वो रकम जमील को अदा करनी होगी अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि फाइव परसेंट है तो फाइव बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई टाइम टू इयर्स। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी अब यह और करें टू जीरो टू जीरो के साथ कैंसल हो गए फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी रुपीज आ गई इंटरेस्ट की अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट फाइव हंड्रेड गिवन है तो फाइव हंड्रेड में फिफ्टी ऐड करें तो फाइव फिफ्टी रुपीज उसको अदा करने होंगे ये बी ऑप्शन करेक्ट होगी फिफ्थ एमसी है च ऑफ दीज टैक्स इज अप्लाइड ऑन मुस्लिम्स एप्शन है उशर बी इनकम टैक्स सी प्रॉपर्टी टैक्स और डी जनरल सेल्स टैक्स उशर के अलावा स्टूडेंट्स बाकी तमाम टैक्सेस जो हैं वो मुसलमानों के अलावा भी लोग अदा करते हैं इनकम टैक्स हर जगह पे अप्लाई होता है प्रॉपर्टी टैक्स भी जनरल सेल्स टैक्स भी उशर वो वाहिद टैक्स है जो सिर्फ मुसलमानों पे लागू होता है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से जो आमदनी होती है उस पे अदा किया जाता है सिक्स एमसी क्यूज है अ मैन बाइज अ टी वी एट रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड एक आदमी ने टी वी सेट खरीदा है पंद्रह हजार रुपए का एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट और वो उसको दस फीसद प्रॉफिट पे दस फीसद मुनाफे पे बेचता है। सेलिंग प्राइस इज हमने उस टीवी सेट की सेलिंग प्राइस बतानी है अब जो प्रॉफिट है वो दस फीसद है तो दस फीसद हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें फिफ्टीन थाउजेंड तो टेन परसेंट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स आपको पता है परसेंटेज खत्म करेंगे हंड्रेड से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस विच इज फिफ्टीन थाउजेंड अब ये दो जीरो न्यूमिनेटर के दो जीरो के साथ कैंसल हो गए यहां पे वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय टेन इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फिफ्टीन हंड्रेड आ गया अब फिफ्टीन थाउजेंड कॉस्ट प्राइस थी और टेन परसेंट प्रॉफिट हमने फाइंड किया वो फिफ्टीन हंड्रेड निकला तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसकी सेलिंग प्राइस होगी तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी जी स्टूडेंट्स सेवेंथ एमसीक्यूज़ क्यूज है मंजू बॉट अ पीस ऑफ क्लोथ एट रुपीज फोर्टी पर मीटर मंजू ने जो कपड़ा खरीदा है वो चालीस रुपए मीटर के हिसाब से खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोथ गिवन है, है रुपीस फोर्टी पर मीटर शी सोल्ड टेन मीटर फॉर रुपीस थ्री सिक्सटी उसने दस मीटर कपड़ा तीन सौ साठ रुपए का बेचा कैलकुलेट हर गेन और लॉस परसेंट हमने गेन या लॉस परसेंटेज बतानी है अब स्टूडेंट्स देखें कॉस्ट प्राइस हमें एक मीटर की गिवन है चालीस रुपए और सेलिंग प्राइस दस मीटर की तीन सौ साठ रुपए बताई है उसने अब चालीस रुपए मीटर के हिसाब से अगर दस मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस निकालें तो वो चार सौ रुपया रुपीज फोर हंड्रेड बनती है और उसने दस मीटर कपड़ा बेचा है थ्री सिक्सटी रुपीज का फोर हंड्रेड रुपीज कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस थ्री सिक्सटी रुपीस है तो डेफिनेटली उसे लॉस हुआ फोर्टी रुपीज का तो लॉस परसेंटेज निकलेगी अब लॉस परसेंटेज हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट तो लॉस हमें पता है फोर्टी रुपीज का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस फोर हंड्रेड रुपीज बनी टेन मीटर क्लोथ की मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये परसेंटेज निकल आएगी अब ये टू जीरोस इन टू जीरोस के साथ कैंसल हो गए तो रिमेनिंग फोर वन आर फोर फोर जीरो तो टेन परसेंट आ गया मींस उसे टेन परसेंट लॉस हुआ है तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी एट एमसीक्यूज़ क्यूज है अ मैन गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ रूपीज थ्री सेवेंटी On rupees twenty three hundred for two years, his rate of interest is interest का rate हमें बताने principal amount given है twenty three hundred rupees और interest वो हासिल करता है three seventy rupees का टाइम पीरियड भी गिवन है टू ईयर्स का अब आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट का हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने हंड्रेड एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई इंटरेस्ट गिवन है थ्री सेवेंटी रुपीज ओवर प्रिंसिपल ट्वेंटी थ्री हंड्रेड गिवन है इनटू टाइम टू इयर्स गिवन है अब इसकी कटिंग जो हो रही है वो कटिंग कर देंगे ये दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो गए उसके बाद टू के टेबल में थ्री सेवेंटी की भी कटिंग होगी टू वन ज़ार टू टू वन ज़ार टू यहाँ से वन कैरी हुआ सेवनटीन टू एट ज़ार सिक्सटीन वन इधर कैरी हुआ टेन तो टू फाइव ज़ार टेन अब न्यूमिनेटर में वन एटी फाइव मल्टीप्लाई बाय वन वन एटी फाइव बचा डिनोमिनेटर में ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय वन ट्वेंटी थ्री बच गया अब वन एटी फाइव को ट्वेंटी थ्री पे हम डिवाइड कर लेंगे अब ट्वेंटी थ्री के टेबल में वन एटी फाइव को चेक करना है आपने ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट डिजिट टू है और इधर फर्स्ट डिजिट वन है वन टू के टेबल में नहीं आता नेक्स्ट डिजिट एट को मिलाएं तो एटीन बना टू नाइन एटीन होता है ट्वेंटी थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन टू कैरी हुआ नाइन टू हजार एटीन प्लस टू ट्वेंटी तो वैल्यू बहुत ग्रेटर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे नाइन से नहीं होगा एट से करके देखेंगे ट्वेंटी थ्री को एट से मल्टीप्लाई करें एट थ्री हजार ट्वेंटी फोर टू कैरी हुआ एट टूर सिक्सटीन प्लस टू एटीन तो ट्वेंटी थ्री को एट से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट वन एटी फोर आया इसको माइनस करें तो रिमाइंडर वन बचा अब जरा ऑप्शन पे गौर करें कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है सवाए डी ऑप्शन के जिसमें एट पॉइंट जीरो फोर लिखा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्वेश्चन में एट आया है तो इट मीन्स के डी ऑप्शन करेक्ट होगी अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व भी करें आगे डेसिमल के बाद जीरोस लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा अब स्टूडेंट्स लास्ट एम सी हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ रुपीज फोर हंड्रेड टू युपीज एटी एज इंटरेस्ट एट फोर परसेंट अब हमने यहां पे टाइम फाइंड करने कितना टाइम लगेगा फोर हंड्रेड रुपीस वापस करने में अगर एटी रुपीस का इंटरेस्ट है उसपे और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फोर परसेंट तो हमने टाइम का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ लास्ट लेक्चर में टाइम इज इक्वल टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है एटी रुपीस इंटरेस्ट की जगह पुट कर देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है हमें रुपीज फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड प्रिंसिपल की जगह आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फोर परसेंट तो फोर बाय हंड्रेड वो हंड्रेड हम ऑलरेडी लगा चुके हैं इसलिए यहां सिंपली फोर लिखेंगे अब इसकी कटिंग कर देंगे ये डिनोमिनेटर के दो जीरो न्यूमिनेटर के दो जीरो के साथ कैंसिल हो गए अब यहाँ फोर बच गया फोर और एटी की कटिंग हो रही है फोर वन दर फोर फोर टू दर एट फोर जीरो दर जीरो अब इस फोर की और ट्वेंटी की भी कटिंग हो जाएगी फोर वन दर फोर फोर फाइव दर ट्वेंटी तो फाइव ईयर्स टाइम पीरियड आ गया जो कि इन ऑप्शन में से सी ऑप्शन करेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फाइनेंशियल अरिथमेटिक के तमाम टॉपिक्स ख़त्म कर लिए नेक्स्ट लेक्चर में इन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज।